हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं एक और साउथ इंडियन ट्रेडिशनल डिश लेकर आई हूं, जिसका नाम है पच्ची पुलसो। ये स्पेशली गर्मी में खाया जाता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने लिया है, ये है इमली, ये एक नींबू के बराबर है। तेल तड़का लगाने के लिए है, ये नमक है, गुड़ है, बारीक कटा धनिया पत्ती, ये हरी मिर्च है। इनको मैंने गैस पे भून लिया है ताकि स्मोकी फ्लेवर आए। और यहाँ पे मैं हींग दिखाना भूल गई, आप उसको भी ऐड करना। जीरा, सरसों, करिया पत्ती, सूखी लाल मिर्च और बारीक कटी प्याज। अब सबसे पहले मैं इमली को धो के भीगने रख दूँगी। भीगने से इसका पल्प अच्छे से निकलता है। अब ये आधा घंटा हो गया, मैंने इसका पल्प निकाल लिया। अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब मैं लूँगी एक और बाउल लेके, उसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज ऐड करके मैं इसमें अब ऐड करूँगी बारीक कटी धनिया पत्ती, और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को मैंने गैस पे भून लिया है ताकि इसका स्मोकी फ्लेवर आए। आप इसका ब्लैक जो छिलका है उसको निकाल लेना। आप डायरेक्टली बारीक कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हो, बट ऐसा करने से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। यहाँ आप स्पून भी यूज़ कर सकते हो, बट हमारे फिंगर से बढ़िया स्टूल और कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लेना। उसके बाद इसमें ये जो इमली का पल्प है, हम लोग ये इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 2.5 ग्लास पानी यूज़ करना। मैंने 2.5 ग्लास पानी यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है तो आप 3 ग्लास पानी यूज़ कर लेना। अब मैंने थोड़ा सा और पानी इसमें मिक्स किया है। अब मैंने इसमें डाला है गुड़। गुड़ डालने से जो खट्टा है वो बैलेंस बराबर हो जाता है। फिर मैंने इसमें डाला है नमक। नमक डाल के मैं इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि नमक और गुड़ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें 1/2 ग्लास और पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के मैं इसको और अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके अब मैं इसको रखती हूँ साइड में। अब मैं बनाऊँगी इसका तड़का। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैं गैस पर बर्तन रखी हूँ, और उसमें मैंने यूज़ किया पीनट ऑयल, फल्ली तेल। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल या जो ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं आप वो यूज़ कर लेना। अब मैंने डाला है सरसों, जीरा, सूखी लाल मिर्च, करिया पत्ती डाल के उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हींग। हींग मैंने दिखाना भूल गया था, आप इसमें हींग ऐड कर लेना। आप इस तड़के थोड़ा सा हिला के मैं इस तड़के को डालूँगी इमली के पानी में। इसको हम कच्चा ही खाते हैं। पच्ची पुलसो का मतलब ही होता है कच्चा सूप, इसको कच्चा ही खाया जाता है। ये बहुत टेस्टी रहता है। इसको सिर्फ आप सादे चावल से खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।